digitalseva.csc.gov.in खोलें, लॉगिन बटन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें। पेज पर गवर्नमेंट टैब पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट से चुनें या फसल दर्ज कर सर्च बार में सर्च करें। अब आप क्रॉप पोर्टल पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के लिए डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। पेज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान के पंजीकरण करने के लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक नेम, ब्रांच सेलेक्ट करें और किसान का अकाउंट नंबर दर्ज करें। अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा दर्ज करें। डिटेल्स को सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर डिटेल्स पहले से दर्ज हो तो स्क्रीन पर दिखाई देंगे, वरना नो डिटेल्स फाउंड स्क्रीन पर दिखेगा। किसान का आधार नंबर दर्ज करें और EKYC बटन पर क्लिक करें। KYC टाइप चुनें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। चेक बॉक्स पर क्लिक कर ऑथेंटिकेट करें। OTP प्राप्त करने के लिए SMS एंड ईमेल चेक बॉक्स को चुनें और जनरेट OTP बटन पर क्लिक करें। सिक्योरिटी वार्निंग के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। ज्यादातर डिटेल्स आधार कार्ड से प्राप्त कर ली जाएंगी। आपको वो डिटेल्स दर्ज करनी होंगी जो कि मैंडेटरी हैं और आधार कार्ड से प्राप्त नहीं हुई हैं। वो किसान से पूछकर दर्ज करें, जैसे फादर्स नेम, कैटेगरी ऑफ फार्मर, टाइप ऑफ फार्मर, नेचर ऑफ फार्मर, ड्रॉप डाउन से चुने। रेजिडेंशियल डिटेल्स आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक भर जाएंगी। अगर भरी हुई डिटेल्स सही नहीं है तो VLE को स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से चुनकर सही करनी होंगी। नोट, VLE को आधार कार्ड के अनुसार डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। अगर किसान किसी भी डिटेल्स को एडिट कराना चाहता है तो किसान को अपने आधार कार्ड में वो डिटेल्स सही करनी होंगी। अगर किसान नॉमिनी ऐड कराना चाहता है तो नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करें और रिक्वायर्ड डिटेल्स दर्ज करें। जिन डिटेल्स के आगे एस्ट्रिक है वो भरनी कंपलसरी हैं। सभी डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। डिटेल्स सेव होने पर किसान की डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली स्क्रीन पर दिखाई देंगी। आगे बढ़ने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से इंश्योरेंस यूनिट डिटेल्स चुनें, जैसा कि ईयर, सीजन, स्कीम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नई पंचायत, ग्राम पंचायत आदि। लैंड क्रॉप डिटेल्स दर्ज करें, जैसे कि रेवेन्यू विलेज, प्लॉट नंबर, क्रॉप, इंश्योर्ड एरिया, सोइंग डेट। फार्मर प्रीमियम पर हेक्टेयर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। और अब दर्ज डिटेल्स को ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। अगर किसान एक से ज्यादा फसल बो रहा है और उन्हें भी ऐड करना चाहता है तो उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज दोबारा सेलेक्ट कर दूसरी फसल दर्ज करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। कृपया इंश्योर्ड एरिया सिर्फ हेक्टेयर में ही दर्ज करें, जो कि रेड कलर में हाईलाइटेड दिखाई देगा। डिटेल्स दर्ज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। जमीन का रिकॉर्ड स्कैन कर अपलोड करें, जिसमें किसान का नाम और एरिया लिखा हुआ हो। पासबुक और चेक एक ही पेज पर स्कैन कर अपलोड करें। अगर चेक नहीं है तो आप सिर्फ बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करें, जिस पर किसान का अकाउंट नंबर, नेम और IFSC कोड साफ साफ लिखा हुआ हो। सोइंग सर्टिफिकेट स्कैन कर अपलोड करें। किसान ये सर्टिफिकेट पटवारी, सरपंच, प्रधान और तहसील से प्राप्त कर सकता है। PDF अधिकतम 200 KB की होनी चाहिए और किसान को इसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करना होगा। फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। पेमेंट CSC वॉलेट दोबारा किया जाएगा। डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड दर्ज करें और वैलिडेट करें। पेमेंट करने के लिए वैलिड पिन दर्ज कर पे बटन पर क्लिक करें और फाइनल कंफर्मेशन होने तक प्रतीक्षा करें। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करें। प्रिंट रिसीट बटन पर क्लिक करें और सेव फाइल चुनकर प्रिंट निकालने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकालकर किसान को दें। इंश्योरेंस कंपनी का नाम एक्नॉलेजमेंट पर डिस्प्ले होगा। प्राति एक फॉर्म सवलत पूर्वक सबमिट हो जाने पर आपको तुरंत 24 रुपए प्राप्त होंगे।
नोट, आपको सिर्फ दिखाई गई प्रीमियम अमाउंट ही किसान से लेनी है। इससे अलग किसान से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सबमिट की हुई एप्लीकेशन को देखने के लिए व्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से ईयर और सीजन चुनें और लोड डेटा बटन पर क्लिक करें। फॉरवर्डेड एप्लीकेशन लिस्ट चेक करने के लिए फॉरवर्डेड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। अप्रूव्ड एप्लीकेशन लिस्ट चेक करने के लिए अप्रूव्ड एप्लीकेशंस बटन पर क्लिक करें। रिजेक्टेड एप्लीकेशन चेक करने के लिए रिजेक्टेड एप्लीकेशंस बटन पर क्लिक करें। इस कॉलम में रिजेक्टेड फॉर्म्स डिस्प्ले होंगे। वहां पर वो फॉर्म्स होंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनीज रिजेक्ट कर चुकी हैं और प्रीमियम का भुगतान किसान के खाते में वापस कर दिया गया है। किसान को रिफंड के लिए उसका बैंक अकाउंट चेक करने को कहें जो कि उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। रिवर्टेड एप्लीकेशन चेक करने के लिए रिवर्टेड एप्लीकेशंस बटन पर क्लिक करें। वापस की हुई एप्लीकेशन में इंश्योरेंस कंपनीज किसी अन्य डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स बताती है। आपको उनकी आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर एप्लीकेशन को रीसबमिट करना होता है।